हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के ऊपर जब बात करें तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एक ऐसा इंटरेक्शन है जो कि बाकी के नॉन कोवेलेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। मतलब इसकी जो एनर्जी होती है वो 10 किलो कैलोरी के अप्रॉक्स मैंने बताया था जो है। अब 10 किलो कैलोरी हाइड्रोजन बॉन्ड से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अब जो नॉन कोवेलेंट सारे के सारे जो वीक बॉन्ड्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए इनमें ये सभी के सभी नॉन कोवेलेंट है और नॉन कोवेलेंट में मेटालिक भी आता है आयनिक भी आता है। तो अगर आयनिक को हटा दिया जाए मेटालिक को हटा दिया जाए तो नॉन कोवेलेंट में आयनिक और मेटालिक को हटाने के बाद जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक क्या है? हाइड्रो का मतलब फोबिया, ठीक है। तो जो बेसिक तौर पे अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोफोबिक के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हाइड्रोफोबिक के ऊपर जब बात करने की कोशिश करते हैं तो द टेंडेंसी ऑफ नॉन पोलर कंपाउंड्स टू सेल्फ एसोसिएट इन द एक्वस एनवायरमेंट, इसका बेसिक मतलब क्या है कि नॉन पोलर जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी टू सेल्फ एसोसिएट इन एक्वस एनवायरमेंट, एक्वस एनवायरमेंट में सेल्फ एसोसिएट होने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। याद रहे कि द सेल्फ एसोसिएशन मिनिमाइजेस द डिसरप्शंस ऑफ एनर्जेटिकली फेवरेबल इंटरेक्शंस एंड बिटवीन द सराउंडिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। व्हाट ये कहना क्या चाहता है जरा समझते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं तो हमारे पास दो नेचर होते हैं। हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी, ठीक है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। अब हाइड्रो के साथ अब या तो वाटर लविंग हो, अगर वाटर लविंग है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर को लव करते हैं उनको आप मेंशन करते हैं हाइड्रोफिलिक। उसके बाद ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर से हीट करते हैं, जो वाटर से हीट करते हैं ऐसे को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिया का मतलब होता है डर। अब कई ऐसे जो है वाटर से हीट करने वाले और वाटर से लव करने वाले मॉलिक्यूल का ये नाम रखा जाता है। अगर हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है। सवाल ये आता है कि जो हाइड्रोफिलिक है वो उनका नेचर कैसा होगा। इट इज अ वेरी सिंपल। वाटर का नेचर कैसा होता है? पोलर, मोस्टली पोलर होगा। और कहीं कुछ नहीं दिया हो तो बायोलॉजिकल सिस्टम में जहां पर भी आप वाटर मेंशन करेंगे वो पोलर मेंशन करेंगे, ये ध्यान रहे। मैंने बस एक लीनियर वाटर का एग्जाम्पल दिया था लेकिन लीनियर वाटर जनरली बायोलॉजिकल सिस्टम में देखा नहीं जाता। वो क्रिस्टलाइन केसेस में हो सकता है लेकिन जनरली जो बायोलॉजिकल सॉल्यूशन जो फ्लूइड पोर्शन होता है उसमें वाटर पोलर नेचर का आप शो करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक का, और ये बहुत जगहों पे आपको आएगा लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है, खासकर ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि सिमिलर नेचर के हैं, वो एक दूसरे से में डिजॉल्व होते हैं। मतलब पोलर मॉलिक्यूल पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। लाइक डिजॉल्व लाइक का जो है कॉन्सेप्ट आप मेंशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है सुगर की बात करी होगी। सुगर कैसा होता है? पोलर होता है। सुगर चीनी जिसको बोलते हैं, सुगर पोलर नेचर का होता है। इसीलिए जैसे ही पानी में उसको डालते हैं वो घुल जाता है और शरबत बन जाती है। तो सुगर पोलर है तो वो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। H2O पोलर है। अब दोनों पोलर है तो ये दोनों डिजॉल्व हो जाते हैं। तो लाइक डिजॉल्व लाइक, तो ये दोनों डिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें ऑयल और वाटर का, तो अगर मेरे पास जो है ऑयल है और ऑयल और वाटर, ऑयल का नेचर आप शो करते हैं नॉन पोलर, और जब ऑयल नॉन पोलर है और वाटर पोलर है तो ये दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। तो यही केस आपके साथ होता है। तो पोलर और नॉन पोलर की कहानी। अब आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ पे जो हाइड्रोफिलिक होंगे, जो वाटर लविंग होंगे, उनका नेचर पोलर शो करेंगे या नॉन पोलर शो करेंगे? उनका नेचर आप पोलर शो करेंगे। रीजन बीइंग दैट पोलर मॉलिक्यूल होगा तभी तो पोलर को लव करेगा, ठीक है। और हाइड्रोफोबिक कैसा आप शो करेंगे? नॉन पोलर। नॉन पोलर का एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अगर बेंजीन को पानी में डिजोल्व करिए तो कभी भी वो डिजोल्व नहीं होता बिकॉज वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। तो अब ये जो है नेचर हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक का आपको समझ में आया हाइड्रो वाला नेचर क्या है। लेकिन अब ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते कैसे हैं जरा समझिएगा। आपने कभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा या कभी सुना होगा दोस्त का दोस्त या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ऐसा सुना?
दुश्मन का दुश्मन क्या होता है? दोस्त होता है। आप ऐसा काम बहुत करते हैं, आप अपने रिलेटिव के साथ भी करते होंगे, कभी शादी में जाइए, शादी में जैसे ही जाते हैं और पता लगा कि कोई आपका बहुत ही फेवरेट कजन है, भले दूर का कजन है लेकिन उन दोनों से आप दोनों की बनती बहुत अच्छी है, तो जैसे वो कजन मिल जाता है आप उससे एकदम चिपक जाते हैं, और दोनों कजन को एक आंटी पसंद नहीं आती, तो दोनों पूरी शादी में उस आंटी की चुगली कर रहे होते हैं कि अरे यार बहुत परेशान करती है, जब भी आती यही यही क्वेश्चन पूछती है, तो क्योंकि वो भी आंटी को पसंद नहीं करता था और आप भी आंटी को पसंद नहीं करते थे, और दोनों आंटी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए दोनों एक दूसरे से जुड़ के बातें करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को आंटी पसंद नहीं थी। एग्जैक्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द प्रोटीन। अब प्रोटीन में मैं डिटेल में अभी चर्चा करूंगा, टेंशन मत लेना, प्रोटीन अभी पूरा सेक्शन आएगा आगे लेटर ऑन। तो जब मैं किसी प्रोटीन की बात करता हूं, लेकिन आपने अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग कभी सुनी होगी, तो प्रोटीन के पास होता एक एन टर्मिनल और एक सी टर्मिनल, और प्रोटीन में कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स का जो नेचर होता है वो पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, विल डिस्कस लेटर ऑन। लेकिन सम ऑफ द प्रोटीन जो नॉन पोलर होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं। अब जो नॉन पोलर प्रोटीन्स मैंने यहाँ पे शो किए हैं, बाकी के पोलर शो किए हैं, जैसे इस प्रोटीन को वाटर में डिजोल्व करोगे, ये वाटर उस वाटर से नफरत करता है, कहता है मुझे डर लगता है पानी से, ये भी कहता है मुझे भी डर लगता है, जैसे कभी किसी हॉरर मूवी में देखा होगा, ये भी डर रहा है वो भी डर रहा है, कहते चलो साथ साथ चलते हैं पानी से बच के चलते हैं। एग्जैक्टली ये दोनों डर रहे हैं पानी से, कहेंगे कि पानी में जैसे बीकर में आप इनको डालिए, तो कहेंगे भाई बचते हैं पानी से, चलो इकट्ठे होके चलते हैं। तो इनके बीच में ये जो नॉन पोलर रीजन था, ये जो नॉन पोलर रीजन था, ये नॉन पोलर को ही आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिक रीजन, और ये जो हाइड्रोफोबिक रीजन आपस में पानी से बचने के लिए इंटरेक्ट करते हैं, तो ये प्रोटीन जो है वो कुछ कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जिसमें ये रीजन जो है वो बीच का रीजन, पानी से बचने वाला रीजन जो इंटरेक्शन शो किया, जिसको फोल्डिंग बोलते हैं, प्रोटीन इसी वजह से तो फोल्ड करता है, तो ये जो फोल्डिंग होती है उसमें रीजन कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये कहानी होती है। अच्छा आपने कभी ऐसा सुना होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का नाम सुना, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जो एक स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे होते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड डीएनए ऐसे होता है, कई ऐसे लिटरेचर में लोग बोलता है कि जो डबल हेलिकल डीएनए होता है, डबल हेलिकल डीएनए हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कितनी होती है भाई, लगभग लगभग कैलोरी की बात करें तो 3 कैलोरी के आसपास, ठीक है, लेकिन हाइड्रोफोबिक की एनर्जी कितनी होती है, लगभग 10 किलो कैलोरी के आसपास। मुझे एक बात बताओ कि अगर इनके बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस का नाम सुना है, वो स्टैक करते कि नहीं करते, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, कभी बेसिक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं ये याद दिलाऊंगा जब न्यूक्लिक एसिड पढ़ाऊंगा, और मैं फिर कहूंगा कि देखो मैंने हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन में ये चीज बोली थी, और वहां याद दिलाऊंगा, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो रिंग होते हैं, जो है कैसे रिंग होते हैं, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, एरोमेटिक रिंग्स होते हैं, तो अब उन रिंग्स का जब जैसे ही आप बात करते हैं, देखो इस तरीके से रिंग, इस तरीके से रिंग, अब ये जो रिंग होते हैं आपस में ओवरलैप करते हैं, और ये कहता है कि मैं भी हाइड्रोफोबिक हूं, मैं भी नॉन पोलर हूं, तुम भी नॉन पोलर हो, आपस में क्या करते हैं, स्टैक कर जाते हैं, तह बना लेते हैं, छुप जाते हैं एक दूसरे से मिलकर, तुम मुझे ऊपर से छुपाओ, मैं तुम्हें नीचे से बचाता हूं, तो ये इंटरेक्शन जो बेस का स्टैटिक इंटरेक्शन होता है, इसी इंटरेक्शन को आप क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, जो आपका बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन आप बोलते हैं वही क्या है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो आप बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन ही इस डबल हेलिकल को जोड़ के रखता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एक है, उसके अलावा बेस स्टैकिंग इंटरेक्शंस भी है, और बाकी का सॉल्ट जो है वो तो आएगा, बाकी हम डिटेल में पढ़ेंगे, समझ में आ रही कुछ बातें, ठीक है, तो ये चीजें जो है वो आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्यों मिल रहा है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर ग्रुप्स, नॉन पोलर स्ट्रक्चर्स पानी से बचने के लिए आपस में इंटरेक्ट कर जाते हैं, ऐसे इंटरेक्शंस को आप बोलते हैं दैट इज हाइड्रोफोबिक। क्लियर है जनाब, बताओ इसका आंसर, दो नंबर झोली में इसको देख के कर सकते हो, इस सोचने के जवाब, सोचने का तो मतलब ही नहीं बनता, द मेन फोर्स इन्वॉल्व इन द प्रोटीन फोल्डिंग आर हाइड्रोफोबिक, क्योंकि वही तो लेके चल रहा था, बाकी तो रहेंगे रहेंगे लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।